बेटा मेरे लिए टिफिन में पोहा बना दो। आपने कैसे खाना? कोई मटर नहीं, कोई कैरेट नहीं, बस पोटैटो। हेलो गाइस, आज हम बच्चों के लिए स्पेशल टिफिन रेसिपी लाए हैं, पोहा, जो कि बच्चे सब्जियां वगैरह नहीं खाते, मटर नहीं खाते हैं, तो आलू जो है खुश होके खाते हैं। तो मैंने ये पोहा बनाया आलू डाल के, पीनट्स डाल के, ना मिर्ची डाली ना कुछ, तो सिंपल पोहा बना है। आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक फॉलो करें। आप बड़े बुज़ुर्गों को भी ये पोहा बना कर दे सकते हैं विदाउट चिली के, मिर्च मसाले मत डालें। तो अब ये शुरू से लेके एंड तक मेरी रेसिपी को देखें। ये देखिए, मैंने पोहा बनाने के लिए सारी सामग्री रख ली है, चॉप किए हुए पोटैटो भी रखे और प्याज भी रखे हुए हैं। एक कटोरी मैंने पोहा लिया, एक ही मैंने आलू लिया चॉप किए और ये एक प्याज लिया है, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स हैं और ये पीनट्स, रोस्ट किए हुए पीनट्स हैं और चॉप किए हुए ये कोरिएंडर और एक लेमन जूस लिया है। पैन मैंने रख दिया कढ़ाई गैस में। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप ऑयल कोई भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये गर्म हो गया, मैंने थोड़ा सा गर्म किया हुआ ऑयल लिया था ताकि जल्दी गर्म हो जाए। अब इसमें हम मस्टर्ड सीड डालेंगे, थोड़े से चटक जाएंगे तो फिर हम इसमें अनियन डाल देंगे। अनियन डाल दिए मैंने, इसके साथ ही हम कड़ी लीव्स डाल देंगे, वो भी चॉप करके डालेंगे हम, साबुत नहीं डालेंगे। बच्चे नहीं खाते हैं, वे निकाल देते हैं, चॉप किए होंगे तो वह बीच में मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनको। अब इसमें पोटैटो डाल देते हैं, वो साथ में इसको भून लेते हैं, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम ढक देंगे। आप हो सके तो बॉयल आलू करके भी डाल सकते हो, जल्दी बन जाएंगे। मैंने ये कच्चे लिए हैं। अब मैं इसको पोहा को धो लेती हूँ अच्छी तरह, ताकि इसका वाइट पाउडर जो होता है वो निकल जाए। अच्छी तरह इसको धो ले दो तीन बार, ज़्यादा इसको हार्डली नहीं मसलना, नहीं तो उसे टूट जाएंगे पोहा। ये देखिए, हम ढक देते हैं प्लेट से। चेक कर रही थी मैं दोबारा, ढक दिया मैंने। अब पोहा भी मेरा रेस्ट हो गया, पानी निकल गया, सॉफ्ट हो गया। अब इसी में हम नमक और हल्दी डाल देते हैं, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं दोनों चीज़ें। इसमें लेमन जूस भी डाल देंगे थोड़ा सा, और हाफ टी स्पून हम रख लेंगे, बाद में मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए, सॉफ्ट हैंड से हमने इसको मिक्स करना, ज़्यादा हार्डली नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा पोहा। हल्दी नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं ऐसे, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए, हल्दी मिक्स हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू गल गए हमारे, कलछी से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, गल गए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको एक बार स्टर कर लेते हैं, फिर इसमें हम पोहा डाल देंगे। अब इसमें हम पोहा डाल देते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ऐसे जल्दी मिक्स हो जाती है हल्दी, नहीं तो बाद में डालो तो मिक्स नहीं होती अच्छी तरह। अब इसमें हम पीनट्स डाल देते हैं विदाउट छिलके के, हमने डाली रोस्ट की हुई। अगर आप बच्चों को अच्छी लगती है तो आप ऐसे उनकी मर्जी से डाल सकते हो, जैसे उनको पसंद है। तो अब इसमें लेमन जूस डाल दिया मैंने, जो बचा के रखा था थोड़ा सा। अब इसको मिक्स कर लें और कोरिएंडर लीव से गार्निश करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है धनिए से भी। बड़े बुज़ुर्गों को भी आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट चिली है, कोई चिली नहीं मैंने डाली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। तो आप बच्चों के टिफ़िन में से बनाएं ये रेसिपी पोहा स्पेशल। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, मैं स्नेह पंजाबी तड़का। मैंने इसमें सॉरी वो डालना भूल गई थी, बाद में डाला मैंने गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड किया है फॉर टेस्ट, क्योंकि इसमें चिल्ली तो होती नहीं है, सिर्फ जस्ट फ्लेवर के लिए डाला है। तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी इजी वे में कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, फॉलो भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगती है ये मेरी इजी वे में रेसिपीज। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।